इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हमारे उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को हम एक प्रकार से एक मॉडल के रूप में पहले तय कर लें कि हमें किस दिशा में जाना है। हम लोगों ने उस पर विशेष रूप से फोकस किया है। भाइयों बहनों, उसके पीछे हमारा यह भी हेतु है कि अभी रजत जयंती वर्ष हमारा आने वाला है, 3 साल बाद उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन 3 सालों में हम किस प्रकार का रोड मैप बनाएं कि हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएं, हिंदुस्तान के उन राज्यों में जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हम शामिल हो जाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि हमारे आज के अवसर पर अर्जुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति जी ने, इन्होंने मेरे को एक बड़ा 16 सूत्री मान पत्र दिया है। मैं इस मान पत्र को ले जा रहा हूं और स्थान जो ये है यहाँ पर मुझे बताया कि स्वास्थ्य के लिए काफी परेशानी होती है, नैनबाग भी दूर है, मसूरी और देहरादून भी यहाँ से दूर है, तो यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही जहाँ हमारी विधायक जी ने और हमारी जिला पंचायत की सदस्य रौनशिला जी ने, इन्होंने अभी यहाँ पर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 507 लखवाड़ के बनने पर ये क्योंकि क्षेत्र के लिए रास्ता रुकेगा, उसके भी समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे कि किस प्रकार से उसका समाधान होगा। साथ ही साथ ये मेला और ये खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सर्वोत्सव प्रयोगी के लिए इस वर्ष के लिए 2 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ कि 2 लाख रुपए वहाँ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत आप सब लोगों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमारी माताओं बहनों ने यहाँ पर शानदार ये नृत्य पेश किया, सब लोगों ने अपनी लोक संस्कृति को भी दिखाने का काम यहाँ पर हुआ है, आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर और अपना सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।